सहारा मैरिज हॉल मुमरा का शानदार ओपन वेडिंग हॉल विथ नेचुरल एनवायरनमेंट है। चाहे आपकी शादी छोटी हो या बड़ी, हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। इन हाउस डेकोर वीआईपी लाउंज के साथ एम्पल ऑफ पार्किंग, डेस्टिनेशन वेडिंग कॉटेज, गेस्ट रूम, स्विमिंग पूल जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। वेरियस डिस्काउंट ऑफर, जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इजी कनेक्टिविटी के साथ बेस्ट कैटरिंग सर्विस, फुल फ्लेज मैरिज हॉल विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जो आपके बजट में, सहारा मैरिज हॉल। आज करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था का विषय था, भारत के प्राण आए हैं। इनकी खुशी देखे मेरे अल्लाह खुश हुए। राम राज आना चाहिए, तो जो मन में है वही दिखाया। राम भक्त वो आज इतने खुशी से झूम रहे हैं कि उसकी कोई परिसीमा नहीं है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के शंकर मंदिर पर, और आपको बता दें कि आज अयोध्या में राम मंदिर की ओपनिंग की गई, जो नरेंद्र मोदी ने किया है। और यह शंकर मंदिर पर दिखाया गया आपको कि एक बड़ी सी LED लगाई गई थी, जिसके द्वारा लोगों को यहाँ पर लाइव दिखाया जा रहा था। और यहाँ पर काफ़ी जो है खुशी का माहौल है लोगों के बीच में। यहाँ पर मौजूद है सुधीर भाई, क्या बताएंगे आज जिस तरह से राम मंदिर की ओपनिंग की गई, शंकर मंदिर पर बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। आज करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था का विषय था, आज करोड़ों हिंदू समुदाय का एक दीपावली उत्सव का त्यौहार जैसे हमारा आज एक सपना था जो पूरा। और ये एक भावनात्मक माहौल है, सामाजिक माहौल है, और हर तबके के लोग इसे मना रहे हैं। आज कोई यहाँ पर ना हिंदू है ना कोई मुसलमान है, आज एक हिंदुस्तानी कर करके इस जगह, हम हमेशा कहते हैं राम राज आना चाहिए, वैसे ही आज राम अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। आज हमारा सबका उत्साह का दिन है, हम वो मना रहे हैं। ये सुधीर भाई थे जिन्होंने बताया कि राम राज आना चाहिए मंदिर। क्या बताएंगे, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, आज ओपनिंग किया गया। जय श्री राम। जो हमने और जो भगवान श्री राम का मंदिर वही बनेगा, हमारा पूरा हुआ जो हमने संकल्प लिया था, हमने पूरा किया और दिया। और आज पूरा देश, ये सिर्फ भगवान श्री राम का मंदिर नहीं है, ये राम जा रहा है, धर्म की नींव मजबूत हुई है। और सिर्फ में ही नहीं, पूरे सनातन की जो नींव पड़ी, सनातन का जो प्रचार प्रसार होते जा रहा है, उसका कोई मोल नहीं है। और यहाँ पे इतनी बढ़िया व्यवस्था हमारे गुप्ता जी ने और उनकी टीम ने किया है, राम भक्तों ने, उसका मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। गुप्ता जी, आप भी बहुत खुशी में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये उत्साह है भगवान श्री राम के आगमन का। यहाँ पर अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये भारत के प्राण आए हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं, भारत के प्राणों की प्रतिष्ठा है। और उसका जो आनंद है, लोग अपने आप से स्वस्फूर्त आनंदोत्सव है, किसी के कहने से बोलने से आनंद नहीं मनाया जाता। और मैंने तो क्या, ये भगवान की कृपा है, राम की कृपा कि सभी लोग यहाँ पर आए हैं अपने आप बिना बुलाए, और सब आनंद मना रहे हैं। और भी यहाँ पर मौजूद हैं बहन भाई, क्या बताएंगे आप, ओपनिंग की गई मंदिर के, बड़ा जश्न का माहौल है शंकर मंदिर। 500 साल बाद श्री राम का पुनर्जन्म हो रहा है और राम राज्य लागू हो रहा है। 500 साल की जो प्रति हमारी जो ये थी इंतजार था, उसको आज पूर्ण विराम मिला है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, राजन दादा भी मौजूद हैं यहाँ पर और उनकी वाइफ भी मौजूद है यहाँ पर, तो बात करेंगे। दादा, क्या बताएंगे आप, बड़ा जश्न हो रहा है यहाँ पर, आज नरेंद्र मोदी के हाथों से जो है ओपनिंग की गई मंदिर की, प्राण प्रतिष्ठा जो थी वो की गई है, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर पूरे भारत भर में जय श्री राम, प्रभु रामचंद्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 16 जो हो रहा है पूरे अयोध्या में, पूरे
भारत भर में इस सोले का आयोजन किया गया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। आज पूरे भारत भर में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के पर्व का महोत्सव मनाया जा रहा है, पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व के उपलक्ष में आज हमारे मुमरेश्वर महादेव मंदिर के शंकर मंदिर के प्रांगण में यहां पर आज एलईडी का आयोजन किया था और सभी ने प्रभु रामचंद्र जी का लाइव दर्शन लिया और ये जो शोला था वो पूरा लाइव सभी ने देखा है। और यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी की प्रतिमा को भी पूजन किया गया, उनकी आरती की गई। यहाँ पर ये जो आज आप देखेंगे पूरा जो यहाँ शंकर मंदिर के प्रांगण में जो आज हर एक जो प्रभु रामचंद्र जी के भक्त है, राम भक्त है, वो आज इतने खुशी से झूम रहे हैं कि उसकी कोई परिसीमा नहीं है। मैं सभी राम भक्तों को शुभकामनाएं देता हूँ इस पर्व की। और पूरे देश भर में ये जो पर्व मनाया जा रहा है उसके लिए मैं सभी राम भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रभु रामचंद्र जी का सबको आशीर्वाद मिले, यही प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ। क्या कहेंगे आप, बड़ा खुशी का माहौल है आज। जय श्री राम। पूरा भारत ही नहीं पूरे विश्व में जय श्री राम की लहर बन रही है। ऐसे ही जो हम मजहब किसी मजहब वो हर एक के दिल में बसा हुआ है और हर एक को अच्छी सद्बुद्धि और तंदुरुस्ती दे, यही मैं श्री राम से प्रार्थना करती हूँ। पहली बात तो सभी को बधाई, और इतने दिन से हम सुन रहे थे, 500 साल से हमने सुना है, आज फाइनली राम जी अपने घर आ चुके हैं। तो जितना भी मुझसे बन सका, जितना भी मैं सेवा दे सकी, अब मैं पहली बात तो अल्लाह का भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि अल्लाह ने मुझे ऐसा मौका दिया कि हम बोलते हैं हम भाईचारा भाईचारा, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहला कदम मेरा होना चाहिए, ना कि हम किसी और का राह देखें। तो बस जितना भी हो सका वो मैं करी और बस खुशी हुई, क्योंकि इनकी खुशी देख के मेरे अल्लाह खुश हुए, उसमें मैं खुश हुई। तो मुझे लगता है बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करूँगी और जो हो सका मैंने किया। यहाँ पर आरती की गई जब मंदिर की ओपनिंग हुई, उसके बाद आरती भी की गई, आप लोग शामिल थे, आप भी आरती में शामिल थे। देखिए हमें खड़े रहना चाहिए, हमारा अजान होता है या हमारा कुछ फातिहा वगैरह होता है तो हमारे भाई या मेरी बहनें जब मेरे साथ होती है तो वो भी खड़ी होती है, तो मैं भी उसी रिस्पेक्ट से और उसी जो भावना उनकी है वही से मैं भी खड़ी हुई और मैं भी सभी प्रोग्राम में इनकी शामिल हुई, क्योंकि दिखावा नहीं करना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो जो मन में है वही दिखाया और जो जितना सेवा कर सके उतना सेवा किया मैंने। तो आपने सुना कि आज राम मंदिर की ओपनिंग अयोध्या में की गई और उसके पूरे देश में ही जो है इसका जश्न मनाया जा रहा है, और मुंब्रा शहर में भी जो शंकर मंदिर परिसर है यहाँ पर ये देखेंगे जश्न का माहौल है। और रीदा रशीद के तरफ से इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया था यहाँ पर, जो लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जा रहा था, यहाँ पर स्क्रीन एलईडी लगाई गई थी और काफ़ी लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी, पुलिस का भी भारी बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया था कि किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो। पुलिस भी शंकर मंदिर नाके से लेकर शंकर मंदिर तक परिसर तक यहाँ पर मुस्तैद रही, अच्छा खासा बंदोबस्त रहा। और अब जो है यहाँ पर ये कार्यक्रम जो हुआ था वो समाप्त हो रहा है।